निश्चित रूप से हम लोग हमेशा धरना प्रदर्शन के रूप से अपने जिला में हम लोग धरना प्रदर्शन के रूप में विरोध किए हैं इस सरकार का। और ये राज्य में जब से गठबंधन सरकार आई है तब से इन्होंने सबसे पहले युवाओं के साथ छल किया है, और अगर किसी को सबसे ज्यादा छला है तो युवाओं को छला है। 1 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा करके ये सरकार सत्ता हासिल की थी, और जब ये सत्ता में आई है तो सबसे पहले इन्होंने युवाओं को छलने का काम किया है। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवाओं को छला है, इन्होंने महिला को छला है, पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को छला है, कंप्यूटर ऑपरेटर को छला है, किसानों को छला है, सबसे बड़ा किसान, हर मोर्चे पे यह सरकार विफल है। और ये झारखंड के युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन कर रही है, और जब तक ये सरकार रहेगी तब तक हम लोग आंदोलन रहते हैं और आंदोलन करेंगे। लोकतंत्र का हनन हो रहा है, एकदम लोकतंत्र का निश्चित रूप से हनन कर रहा है ये सरकार। इस सरकार में निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर कहीं से नहीं है, ना महिला सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना छात्र सुरक्षित है। अभी आप लोगों पर भी आरोप लगाए कि पानी के बोतल और पथराव भी किए गए। हम लोग अहिंसा रूप से कर रहे हैं, हम लोग लोकतांत्रिक पद्धति से विरोध कर रहे हैं, हम लोग मार खा रहे हैं, हम लोग मार नहीं रहे हैं, हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हम लोग विरोध कर रहे हैं, और लोकतांत्रिक रूप से विरोध करेंगे। जेल जाना पड़ेगा तो हम लोग जेल जाएंगे। पार्टी जिंदाबाद तक नहीं ले जाया गया, ऊपर से जो है लाठीचार्ज भी किए गए, बारूद भी छोड़ गए, वाटरफॉल्स का प्रयोग भी किया गया, तो क्या कहेंगे आप लोग जो है वहाँ पे जा पाएंगे या फिर आप लोग को वहाँ पे जो है लगातार पहुँचने दिया जाएगा? अभी ये आंदोलन तो अभी शुरू ही हुआ है, आधा घंटा हो रहा है, अभी सचिवालय जाने में हमको 2 घंटा बचा हुआ है, 3 घंटा सवा 2 हो रहा है, 5 बजे तक हम लोग सचिवालय जा सकते हैं और हम लोग जाएंगे। अगर हमारे सांसद और विधायक को नहीं छोड़ा गया तो जरूर जाएंगे, और इस जगह को हम लोग नहीं छोड़ने जा रहे हैं। हम लोग सचिवालय पर चढ़ाई करेंगे, वहाँ जाके धरना देंगे, वहाँ हम लोग बैठेंगे। और हमारे पार्टी में अनुशासन, सभी कार्यकर्ता होते हैं, सांसद विधायक के बाद भी नेतृत्व का जो है तीसरा लेयर होता है, हमारा लेयर यहाँ पर है, हमारा नेतृत्व है, हम नेतृत्व विहीन नहीं हुए हैं, और हमारा नेतृत्व का निर्देश है कि हम यहाँ से नई जगह छोड़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी 3 घंटा बचा है, हम लोग 3 घंटा के अंदर सचिवालय तक पहुँचेंगे। मेरा नाम अनुरंजन अशोक है, प्रदेश कार्य समिति सदस्य है भारतीय जनता पार्टी। क्या कहना चाहेंगे इस रैली में, रैली के बारे में? देखिए, हम लोकतंत्र का प्रहरी हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र भरोसा करती है। ये हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, राजा के बेटा है, ये है शिबू सोरेन के बेटे है, इन्हे कभी लोकतंत्र की परिभाषा इनको नहीं आता है, जो लोकतंत्र प्रक्रिया से ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ना पार्टी से ना मुख्यमंत्री बनेंगे, ये स्वयं भी मुख्यमंत्री है, इसे लोकतंत्र को आता नहीं है। लोकतंत्र में आवाज उठाना हमारा फंडामेंटल राइट है, हम आवाज उठाएंगे जनता के आवाज को। ये लाठी डंडे से दबाना चाहती है, गोला बारूद लाना चाहती है, तो लाठी डंडा और गोला बारूद लोकतंत्र कभी इजाजत नहीं देता है। लोकतंत्र को जीवित रखना है, वही सरकार कर्तव्य होता है। लेकिन सरकार देखिए डरी हुई सरकार है, इतना लंबा कहीं बेल कटिंग देखिए, आप 2 किलोमीटर बेल कटिंग लगा, समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इसलिए सरकार डरी हुई सरकार है। ये सरकार को धक्का देने आए हैं, 3.25 करोड़ जनता गांव से यहाँ पर उठ के आए हैं, इनको शर्म आना चाहिए, बताना चाहिए। बालू बेचने के लिए, बालू लूटने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था आपको, जनता दिया था, रोजगार का नौकरी लूटने के लिए बनाया गया था आपको, भ्रष्टाचार करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, नहीं आपको जनता का सेवा करने बनाया। कार्यकर्ताओं के द्वारा बोतल भी फेंका गया प्रशासन पर, ये कहा था? अरे कुछ नहीं, ये पुलिस प्रशासन, ये सरकार जो है ये साजिश रचती है, इनको साजिश रचना अच्छा से आ गया, साजिश रचे हमारा आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। अब बताइए मेरे हाथ में क्या है, कुछ है नहीं, पत्थर है नहीं, देखो यहाँ एक तो कलम है, जो कलम मेरा अधिकार है, तो कलम से नहीं ना किसी को मारे होंगे, जब कलम है मैंने कलम, तो हम अपना आवाज बुलंद करना है। अरे बोल रहे ना, हेमंत सोरेन गिरफ्तार करेगा, जेल भेजेगा, कल से हमारा कार्यकर्ता लोग को नोटिस भेज रहा है। ये सरकार अपने सरकार का मिसयूज कर रहा है, प्रशासन का टूल्स बनाया, लोकतंत्र कुचल का टूल्स बनाया है, इससे घबराने वाली बात है। अरे आज जानते हैं सिद्धू कान्हू जी का जन्म जयंती आज है, जिन्होंने हुल क्रांति किया था उसी दिन आज कर रहे हैं, हम लोग हुल क्रांति कर रहे हैं, दोबारा हुल क्रांति करने आए हैं, समझ रहे बात को? ये सरकार हमको जेल भेजेगा वो भी स्वीकार है, हमारे ऊपर गोली चला देगा ये भी स्वीकार है, जनता की आवाज को दबने नहीं देंगे, ये सरकार को चलने नहीं देंगे। और लगाए गए हैं और 2 घंटे का वक्त है, तो क्या लगता है आप लोग क्रॉस कर पाएंगे?
कर लेंगे। ये बैरिकेटिंग बहुत देखे हैं, ये सरकार से, ये सरकार डर रही है, हम नहीं डर रहे हैं। अच्छा समझिए, ये बैरिकेटिंग डरने जो डरता है वो अपना गेट बड़ा लगाता है, ठीक है, उसको लगता कोई आके घुस जाएगा तो बड़ा गेट लगाता है। हम ये गेट भी तोड़ देंगे ये सब कुछ, लेकिन हम अपने बात को जहां पहुंचाने आए हैं, हम झारखंड की तमाम जिले से कोने कोने से लोग आए, उनकी आवाज को, उनकी बातों को, जो झूठा सरकार है, ये जो बोलते हैं ना राजा का बेटा मुख्यमंत्री बन गया, ये कभी भी लोकतंत्र के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने की कोशिश है, मगर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है मरते दम तक झारखंड के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के बेरोजगारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे और इस चोर लुटेरी कोयला चोर बालू चोर सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम चोरन मुद्दा बात, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम ये पत्थर चोर कोयला चोर ये हर चीज का चोरी करने वाला सरकार को आज गद्दी से उखाड़ करके ही फेंक करके ही दम लेंगे हम लोग। इनके ये अपना सारी सीमाएं पार कर रही है, जो कि ये पानी छोड़ रहा है, गैस छोड़ रहा है, उससे हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाले में से नहीं है।